कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। ऐसे में लॉकडाउन के तहत उद्योग नगर थाना क्षेत्र में चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है, तो वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस भी लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए अपनी अहम जिम्मेदारी निभा रही है और केवल उन्हीं लोगों को मार्ग से निकलने दिया जा रहा है जो आवश्यक सामग्री लेने जा रहे हैं या फिर आवश्यक सेवा से जुड़े हुए लोग हैं। वहीं सैनिटाइज हो रहे इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। देश में लॉकडाउन के चलते कोटा में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, इसके लिए जिला प्रशासन ने थानेवार इलाकों को चिन्हित कर वहां पर सैनिटाइज और दूसरे काम शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं उद्योग नगर इलाके में और जिला प्रशासन ने सबसे पहले उद्योग नगर इलाके को ही चुना है जहां पर सैनिटाइज सहित दूसरे सर्वे के काम चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन और RSC के जवान भी यहां पर मुस्तैद हैं। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को एक तरह से कर्फ्यू में तब्दील कर दिया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 या 11 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा और इस दौरान इलाके के अंदर ना तो कोई बाहर का पर्सन आएगा और ना ही यहाँ का पर्सन बाहर निकलेगा। तो वहीं जो सर्वे की टीम है वो भी लगातार मुस्तैद है, अंदर काम कर रही है। RSC के जवानों की यहाँ तैनाती साफ तौर पर ये जाहिर करती है कि ये पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया गया है, सर्वे यहाँ पर जारी है, सैनिटाइज का काम यहाँ पर जारी है और दूसरे काम जो चिकित्सा विभाग से रिलेटेड जो काम है वो भी यहाँ पे लगातार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से साफ तौर पर ये झलकता है कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी गंभीर है। संक्रमण ना फैले इसके लिए जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये भी निकल कर आई है कि अभी तक कोटा में कोरोना का कोई पॉजिटिव संक्रमित मरीज यहाँ पे सामने नहीं आया है। ये एक कोटा शहरवासियों के लिए, जिला प्रशासन के लिए राहत की बात है, इसलिए कोटा में ऐसा कोई संक्रमित मरीज यहाँ पे सामने ना आए जिससे शहरवासियों को परेशानी हो, इसके लिए ये थानेवार इलाकों को चिन्हित करके वहाँ पे सैनिटाइज सहित दूसरे काम शुरू कर दिए गए हैं। सबसे पहले उद्योग नगर इलाके को चुना गया और यहाँ पर आज रात तक पूरी तरह से काम को पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच जो भी सर्वे हो रहा है उसमें प्रत्येक घर को ये भी चिन्हित किया जा रहा है कि अगर किसी घर में किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम हो तो उसकी अलग से लिस्ट तैयार की जा रही है ताकि बाद में उसका इलाज हो सके। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन दीपक के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।